हेलो दोस्तों, आप लोग का यशवीटेक में स्वागत है। जैसा कि मैं आप लोग के लिए लेकर आया था साइंस वन का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन क्लास टेंथ के लिए, इसमें से आप लोग का प्रीलियम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, हर जगह ये चीज आने वाला है। इसी में से आने वाला जो चीज मैं आप लोग को बताया हूँ उसमें अगर आप लोग अच्छी तरीके से कर लेते हो तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम होगा, प्रीलियम एग्जाम होगा, हर जगह इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है, क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। देखोगे यहाँ पर पूरा 2020, 2021, 2022, 2023 का पूरा अच्छी तरीके से एनालिसिस करने का जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो चीज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। बस आपको क्या करना है, जितना क्वेश्चन आज मैं साइंस टू का दे रहा उसी तरीके से साइंस वन का ऑलरेडी अपलोडेड है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग अच्छी तरीके से इसको कर लेना, दोनों आप लोग का हो जाएगा। यहाँ पर 30+ आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, जितना क्वेश्चन बताऊं 30+ हो जाएगा अगर पूरा क्वेश्चन कर लेते तो। उसके बाद जो बचा आप लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसको कर लोगे तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, 40/40 भी ला सकते हो इस वीडियो से। बस आपको क्या करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करना, प्लस यहाँ पर 30 डेज का स्ट्रेटजी प्लान भी बताऊं किस तरीके से स्टडी किया जाए, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से जाके उस पे भी आप लोगों को अच्छी तरीके से फॉलो करके जिस तरीके से बताऊं उसको उस तरीके से स्टडी किए तो आप लोगों का 30 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा स्टडी भी आप लोग का। अब इसमें साथ है साइंस टू का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले चैप्टर से कौन सा, सब कुछ बता रहा हूं यहां पे। देखो मैं पूरा लेकर आऊं, अब देखो यहां पर मैं क्वेश्चन बताया साइंस टू का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन 2020, 2021, 2022, 2023 का प्रीलियम एग्जाम विथ यहां पर बोर्ड एग्जाम 2000 आप लोग का जो भी 24 में रहेगा उसमें भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब इसमें देखोगे सबसे पहले आप लोग को पहले लेसन से कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए, तो बहुत ज्यादा मेहनत लगा है इस वीडियो को बनाने में, प्लस इसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करने में। बस आपको क्या सपोर्ट और प्यार बनाना, और चैनल फर्स्ट टाइम तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब मैं एक एक लेसन का बताता हूँ क्या करना चाहिए पहले लेसन से आप लोग को यहाँ पे देखोगे स्क्रीनशॉट ले लिए तो भी कुछ फायदा नहीं होगा। और एक बात बोलना चाहता हूँ, यहाँ प्रैक्टिस पेपर जो नवनीत का प्रैक्टिस पेपर था वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, वहां पर भी सोल्यूशन के साथ 5 प्रैक्टिस पेपर साइंस 2 का विथ सोल्यूशन के साथ, बस वहां से जाके आप लोग को प्रैक्टिस करना प्लस इसको करना। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना चाहिए, हेरिडिटी का डिफिनेशन, उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों का डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। परिभाषा जिसको बोला जाता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो ये तीनों हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ट्रिपलेट कोडान करके आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद आप लोग को ये जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, 3 साल 4 साल का रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके लिए बोलता हूँ इसको आप लोग 110% इसको सबसे पहले खत्म कर देना। उसके बाद यहाँ पर म्यूटेशन का डिफिनेशन है, इवोल्यूशन, फोसिल का डिफिनेशन, ये तीनों चारों देखो यहाँ पर इवोल्यूशन और यहाँ पर फोसिल का डिफिनेशन करना है। उसके बाद इविडेंसेस, देखो इविडेंसेस आर द इवोल्यूशन का नाम विथ एग्जाम्पल, नाम और एग्जाम्पल आप लोग को याद करना, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं, सिर्फ नाम इविडेंसेस के प्लस यहाँ पर उसके एग्जाम्पल, दो दो एग्जाम्पल याद कर लिए तो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट याद करना है, क्या करना, वेस्टिजल ऑर्गन का शॉर्ट नोट याद करना है। उसके बाद यहाँ पर और आगे क्या करना है, यहाँ पर कनेक्टिंग लिंक का आप लोग को शॉर्ट नोट याद करना। उसके बाद डोब्राइनर का जो यहाँ डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन और विथ ऑब्जेक्शन दोनों आप लोग को एक ही पेज पे दिया है, नीचे आप लोग को डार्विन का थ्योरी प्लस यहाँ नेचुरल सिलेक्शन दोनों और ऑब्जेक्शन उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। लामार किस्म का शॉर्ट नोट करना है। अब एक्सरसाइज देखो यहाँ पर ई एक्स लिखा हूँ, ये क्या है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में से क्या क्या क्वेश्चन और पहला करना है, जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स एक्टिविटी और डू अस डायरेक्ट ये सब रहेगा सिंपल सा। उसमें देखो फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट, ये सब कोरिलेशन, अगर ये सब जो भी रहेगा आप लोग को करना है, बट यहाँ पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना रहेगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, क्वेश्चन नंबर 7 का ए और ई करके रख लेना ए और। इस तरीके से आप लोग का पहला जो चैप्टर था मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंस, वेरी इंपॉर्टेंस, ये चीज आप लोग का क्लियर हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आता है दूसरे लेसन में से क्या किया जाए, तो दूसरे लेसन में से देखो स्क्रीनशॉट लेने से आप लोग को कुछ भी होने वाला नहीं है, बहुत सारा चीज इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे देखोगे पेज नंबर आप लोग को यहाँ पर 15 पे एक डायग्राम है, लेसन नंबर 2 लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1
का आप लोग को यहाँ पर दूसरे लेसन का है, आप लोग को यहाँ आईएमपी क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन। अब बोलोगे सर यही सब आएगा, बहुत सारा चांसेस है ये सब आने के, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है 5 साल 4 साल का, और 2024 का भी एनालिसिस करने के बाद तब मैं आप लोग को ये दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, पेज नंबर 15 पर एक डायग्राम है उसको करना है, पेज नंबर 16 पर एक डायग्राम है उसको अच्छी तरीके से करना है। डायग्राम मतलब एक्टिविटी के माध्यम से दिया गया है। और यहाँ लिपिड्स का डिफिनेशन, लिपिड्स का डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, इधर नीचे टॉप में दिया गया है। अब एक्सरसाइज से कौन कौन सा क्वेश्चन किया जाए, एक्सरसाइज से आप लोगों को क्वेश्चन अब पहला करो, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का ए डी ई एफ, ध्यान से सुनना है ए डी ई एफ करना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, और क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर करना है ए बी सी क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन नंबर फोर का ऑल क्वेश्चन करना है, साइंटिफिक रीजन है उसमें 100% एक नए क्वेश्चन आप लोगों से आता है। क्वेश्चन नंबर आप पांचवा में क्या करना चाहिए आप लोगों को, ए और ई करना चाहिए, और क्वेश्चन नंबर पांचवा डायग्राम है उसको आप लोगों को करके रखना चाहिए। ये सब आप लोगों को हो गया, जितना बता रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। अब उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तीसरे लेसन में, तीसरे लेसन में से क्या क्या किया जाता है। देखो तीसरे लेसन में से मैं यही बोलूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के टाइप्स याद करके रखो विथ एग्जाम्पल के साथ। क्या करना है, असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के दोनों का क्या करना है यहाँ टाइप्स, प्लस क्या करना है उनके एग्जाम्पल, उतना याद कर लिया। अब उसके बाद यहाँ रीजनरेशन दिया गया है उसका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दिया गया, फर्टिलाइजेशन दिया गया, ये सब आप लोग को क्या करना है उसके शॉर्ट नोट याद करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर और नीचे आओगे तो यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन दिया गया है एक, जो डबल फर्टिलाइजेशन इन द एग्नोस्पर्म दिया गया है इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। मेंस्ट्रुएशनल साइकिल आप लोग को डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है, परिभाषा जिसको बोला जाता है। अब यहाँ आईवीएफ सर्वगेसी स्पर्म बैंक का शॉर्ट नोट याद करना, देखो यहाँ पर आईवीएफ सर्वगेसी स्पर्म बैंक का शॉर्ट नोट लिखा हूँ, शॉर्ट इसको शॉर्ट नोट में याद करना, और टाइस अदर ट्विंग याद करके रखना है कितने टाइस के होते हैं। अब एक्सरसाइज से बात किया जाए तो एक्सरसाइज से क्या क्या किया जाए आप लोग को बोल रहा हूँ ना, ये 110% एक अच्छा खासा याद कर लिए तो 110% प्रीलियम एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम इसमें से बहुत ज्यादा चांसेस है आप लोग को आने के बोर्ड एग्जाम प्रीलियम एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, क्वेश्चन नंबर फोर का सी वाला करना है। देखो क्वेश्चन नंबर फोर का सी वाला बस दिया हूँ क्योंकि आगे ऊपर आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का आप लोग को करना है ए बी सी करना है, क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए बी सी करना है, क्वेश्चन नंबर सेवन का, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर इलेवन, इतना आप लोग को तीसरे लेसन से करना है। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, और क्या करना है ध्यान से देखना है, यहाँ पर लेसन नंबर जो फोर है फोर में से क्या किया जाए, तो पेज नंबर आप लोगों 37 पे है डायग्राम दिया गया है इकोसिस्टम का दिया गया है उसको अच्छी तरीके से, इकोसिस्टम इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन दिया गया उसको अच्छी तरीके से आप लोगों को, इकोसिस्टम का एक डायग्राम दिया गया उसको करना है, और उसके बाद इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन चार्ट दिया गया उसको अच्छी तरीके से करना है। देखो पेज नंबर भी लिखा हूँ, इन्वायरमेंटल नाम भी लिखा हूँ, इकोसिस्टम का एक चार्ट है उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक इकोलॉजी, इकोलॉजी है उसको याद करना, डिफिनेशन इकोलॉजी करके एक डिफिनेशन है। और यहाँ पर देखो यहाँ पर दिया पेज नंबर जो चार्ट है एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन चार्ट उसको करना है, और एक चार्ट है 39 पेज नंबर पे, पेज नंबर 39 पे है उसको करना है डायग्राम, नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है उसे डायग्राम दिया गया, नीचे ही दिया गया है ध्यान से सुना, नीचे दिया गया एक बॉक्स उसे एक्टिविटी के माध्यम से पूछा गया, नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और यहाँ स्क्रेड ग्रेवेस दिया गया इसको शॉर्ट नोट याद करके रखो, और उसके पेज नंबर 43 पे हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कन्वर्स दिया गया है उसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा ए बी, और उसका रोल इन इन्वायरमेंट पेज नंबर दिया गया है 44 पे, याद रखना जो जो बता रहा हूँ उसमें से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लोग का प्रीलियम एग्जाम में आने के, और देखे रहोगे फर्स्ट सेमेस्टर में इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को आया रहेगा। तो इसके लिए बोलता हूँ कि आप लोग इसको एक ट्रस्ट करके अच्छा खासा लर्न कर लेना, क्योंकि बाद में आने के बाद आएंगे पेपर दे के आने के बाद सोचोगे सर आया था बट किया नहीं, तो वो चीज़ गलती है आपकी, आप पहले से इसको अच्छी तरीके से याद कर डालो।
अब यहाँ पर एक है थेंथ्रेट करके दिया, क्लासिफिकेशन आप लोग को करना है स्पेसिस का, वो अच्छी तरीके से इधर साइड में दिया है इस वाले पेज पे, आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। अब एक्सरसाइज से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, थर्ड का बी और ई करना है, बी और ई करना है क्योंकि बहुत सारे इस सेंस में क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर दे चुका। अब उसके क्वेश्चन नंबर यहाँ सिक्स का ई और यप करना, क्वेश्चन नंबर सेवन कर लो, आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए उसको बता, तो ध्यान से सुनना। यहाँ पर लेसन नंबर जो फिफ्थ है, मतलब पांचवा चैप्टर आईएमपी क्वेश्चन, टर्बाइन का यूज याद कर लो, ऑल फ्लो चार्ट, ध्यान से सुनना क्या वर्ड बोला, ऑल फ्लो चार्ट आप लोग को अच्छी तरीके से करना है क्योंकि इससे चार्ट में से 110% टर्बाइन का यूज पूछा जा सकता है, या तो आप लोग को ऑल फ्लो चार्ट में से कोई ना कोई एक फ्लो चार्ट पूछा जा सकता है। अब उसके बाद एक्सरसाइज से अगर बात किया जाए, तो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, और क्वेश्चन नंबर नाइन का बी करना है, क्वेश्चन नंबर टेन करना है, क्वेश्चन नंबर इलेवन का ए बी सी करना है, इलेवन का बी ए बी सी करना है अच्छी तरीके से। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखोगे लेसन नंबर जो सिक्स है, लेसन नंबर सिक्स में से क्या किया जाए, तो लेसन नंबर सिक्स से आप लोगों को पेज नंबर जो दिया गया, आप लोग को 61 पे एक डायग्राम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद एक बेनिफिट्स ऑफ दिस एनिमल्स क्लासिफिकेशन क्या है, बेनिफिट्स है आप लोगों को 5 से 6 पॉइंट दिया गया, बट उसमें से मैं बोलूंगा आप लोगों को कितना पॉइंट, सिर्फ 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, 4 पॉइंट याद कर लेना, आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नॉन कोडेड और एक कोडेड डिफरेंट बिटवीन आप लोगों से पूछा जा सकता है, कोडेड और नॉन कोडेड आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि आया है। यहाँ पर एक बॉडी सिमेट्री करके दिया गया है, बी वाला लिखा बी पॉइंट है, यहाँ पर मैं डिनोट भी कर दिया हूँ बी पॉइंट है, और बॉडी सिमेट्री करके उसने 3 पॉइंट है, तीनों अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना है क्योंकि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता, क्वेश्चन में पहला करना है, क्वेश्चन में सेकंड करना है, क्वेश्चन में पांचवे का ए सी डी करना है, देखो ए सी डी करना है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर करना है सिक्स का बी और ई करना है, क्वेश्चन नंबर सेवन एट नाइन टेन इलेवन ये सब आप लोग को क्वेश्चन करना है क्योंकि एक्टिविटी के माध्यम से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको अच्छी तरीके से करना है। अब उसके बाद यहाँ पर आता है लेसन नंबर सेवन, लेसन नंबर सेवन में से क्या किया जाए, तो लेसन नंबर सेवन में से पहला है प्रोबायोटिक, इसको आप लोगों को शॉर्ट नोट में याद करके रखना प्रोबायोटिक। अब उसके बाद पेज नंबर 80 पे डायग्राम है, एक बॉक्सेस है, बॉक्सेस को अच्छी तरीके से क्या करना है, बॉक्स को लर्न कर लेना है। अब यहाँ एंटीबायोटिक आता है, शॉर्ट नोट याद करके रखना, जिसे प्रोबायोटिक का याद किया वैसे यहाँ एंटीबायोटिक का भी याद करके रख लेना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है, प्लस यहाँ थर्ड का ए जी एच करना है, क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए जी एच करना है, और क्वेश्चन नंबर फोर जो है क्वेश्चन नंबर फोर करना है, क्वेश्चन नंबर पांचवे का आप लोगों को सी करना है, क्वेश्चन नंबर छठवां सातवां आठवें का ए सी ई करना है अच्छी तरीके से। इस तरीके से आप लोग का यहाँ 7 लेसन हो जाता है। आठवां लेसन में से क्या किया जाए, तो ध्यान से सुना, आठवें लेसन में से आप लोग को जो जो बता रहा हूँ उसके अलावा आप लोग को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते हो, नहीं तो यहाँ पर 30+ आप लोग का हो जाएगा जितना क्वेश्चन बता अगर उतना अच्छी तरीके से लर्न कर लिए। अब यहाँ पर आठवें लेसन में से क्या किया जाए, देखो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का पेज नंबर 96 पे दिया गया, उसको करना है। व्हाइट रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, ग्रीन रिवोल्यूशन, तीनों रिवोल्यूशन में से कोई भी रिवोल्यूशन आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला करना, क्वेश्चन नंबर दूसरा करना, क्वेश्चन नंबर थर्ड करना, क्वेश्चन नंबर यहाँ फोर का बी वाला करना है, और क्वेश्चन नंबर पांचवे का ई और बी करना है, क्वेश्चन नंबर सातवां करना, क्वेश्चन नंबर आठवां नौवां, इस तरीके से आप लोग का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। उसके बाद यहाँ पर नौवां लेसन, नवां लेसन इतना अच्छा है कि आप लोग ऑन वर्ड से भी बना के लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पर कुछ दे देता हूँ इम्पोर्टेंट जो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेसन नंबर नौवे से, लेसन नंबर नौवे में आप लोग देखोगे यहाँ पर पेज नंबर 101 पे है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ दिस दिया गया है, सोशल हेल्थ डायग्राम दिया गया, उसको लर्न कर लेना। उसके बाद साइबर क्राइम क्या होता है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना, स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से तनाव को दूर किया जा सकता है उसको कर लेना, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर पांचवा आप लोग को करना चाहिए। इतना हो गया। अब लास्ट जो है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग के लिए इतना ज़्यादा हार्डवर्क सिर्फ एसबीटेक आप लोग के लिए कर रहा है, इसके लिए बोलता हूँ, इतना मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन है, इसके लिए बोलता हूँ आप लोग थोड़ा सा क्या किया करो, थोड़ा सा रहम करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, प्लस
जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो। यहाँ पर दसवां लेसन का मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें से कौन सा है देखो, देखो इसमें डिजास्टर का डिफाइन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है, और टाइप्स ऑफ द डिजास्टर कौन कौन सा उसको करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पेज नंबर 111 देखोगे, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा सा बड़ा, देखोगे यहाँ पर लिखा गया है क्या चीज, देखो पेज नंबर आप लोग को दिया गया 111 पे आप लोग को डिजास्टर का डायग्राम दिया गया उसको करना है, और पेज नंबर 114 पे आप लोग का डायग्राम दिया उसको प्री डिजास्टर मैनेजमेंट और पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट का डिफरेंट बिटवीन आप लोगों से पूछा जा सकता है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डायग्राम, जो स्ट्रक्चर बनाया गया किसके अंडर में क्या क्या चीज रहता है वो चीज यहाँ अथॉरिटी आप लोग को बताना रहेगा, इसको आप लोग को करना है मॉर्क डील, आप लोगों को अच्छी तरीके से शॉर्ट नोट याद करके रखना है। उसके बाद यहाँ पर और आगे आ जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा बस है और बाकी तो सब खत्म हो चुका है। देखोगे यहाँ पर से आप लोगों को फर्स्ट एड बॉक्स का जो डायग्राम दिया गया, बॉक्स में क्या क्या लेकर जाना चाहिए फर्स्ट एड में, वो चीज आप लोग को करना रहेगा। और क्वेश्चन नंबर 61 साइज का क्वेश्चन पहला, क्वेश्चन नंबर दूसरे का ए सी डी करना, क्वेश्चन नंबर 8वां करना, क्वेश्चन नंबर 10वां करना। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो होता था कंप्लीट हो गया 10वें लेसन का। तो आप लोग को बस क्या करना है, जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है, और आप लोग अगर तक अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस पेपर नवनीत का 2024 का जितना था साइंस 1 साइंस 2 का विथ सॉल्यूशन के साथ वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया पीडीएफ के फॉर्म में। प्लस यहां पर आप लोग को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा साइंस 1 का, इसी तरीके से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन का, तो उसको भी आप लोग जाके वहां से कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा। प्लस इसको जितना हो सकता है अपने दोस्तों को शेयर करना। अगर अदर सब्जेक्ट का इसी तरीके से मोस्ट रिपीटेड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट गारंटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग बस कमेंट करना। यहाँ पे देखो मैं लिखा हूँ एसएससी बोर्ड एग्जाम 2024 साइंस टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीलियम एग्जाम, प्लस यहाँ पर बोर्ड एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। बस आप लोगों से यही बोलूंगा कि चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों इस तरीके से जो इंपॉर्टेंस गारंटेड क्वेश्चन है सिर्फ पीएचडी टेक ही आप लोगों को प्रोवाइड करता है। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी हुई वीडियो के साथ।